अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आइंदा आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मेरी कोशिश होती है रिएक्शन शॉर्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। अच्छा जी, आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि जहाँ से निकलोगे वहाँ घुसेड़ देंगे, तो जहाँ से निकले हो वहाँ से घुसेड़ देंगे। हर कोई वहीं से निकला है जहाँ से आपकी आपका जो मतलब है ना कहने का, हर कोई वहीं से निकला है और वहाँ निकलने के बाद घुसेड़ कोई नहीं सकता दुनिया में ऐसी कोई। तो ऐसी फजूल और वाहियात बातें ना करें जिसका कोई सर और पैर ना हो। 2% की औरतें, देखिए 2% जो है ना वो अब टकों की औकात हो गई कि टका जो है ना वो रुपये से महंगा हो गया। ये हम उस वक्त कहते थे कि जो मिसाल है और इसको बहुत ही गलत समझा जाता था। ये मिसाल उस वक्त दी जाती थी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वहाँ पे अलग हुआ था, वो डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी और टका जो है कि वो किसी को नीचा दिखाने के लिए कहा जाता था। लेकिन आज टके की वो औकात है कि टका जो है वो रुपये से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। बहरहाल ये 2% की औरतें और 3% की औरतें, कितने 2% की औरत औरतें तो तुम्हारे साथ बैठी हुई है दीदी। 2% की औरत तो वो औरत है जो तुम्हारे साथ अभी इस वक्त तुम्हारे बगल में बैठी हुई है, जो तुम्हारी झमिया है, जिसने तुम्हारे लिए अपने पहले शौहर को मार दिया। अब कैसे मारा ये पूरा वाइटी जानता है कि किस तरह से उसको कत्ल किया तुम लोगों ने मिलकर। तो 2% की औरतें तो ये वो औरतें कहलाई जाती हैं जो एक शौहर से वफा नहीं करती। याद है ना तुम्हें आसिम का सारा वाकया, सारा किस्सा सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, सबको पता है। तो 2% की औरत तो तुम्हारे साथ बैठी हुई है, जिसको तुम 2% की औरत तो तुम्हारी बहन है जो नाइटें लगाती थी और क्या क्या करती थी, ये तुम्हें सब पता है। यहाँ पे पता है 2% की औरत तो तुम्हारी तुम्हारी जो माँ के बारे में भी तुमने कहा था कि वो भी 2% की थी, कि उसने अपने आशिक के खातिर अपने पहले शौहर को छोड़ दिया। तो यहाँ पे तुम 2% की औरतें किसे कह रहे हो? रिएक्शन वालों को कह रहे हो कि 2% की औरतें? पहले अपने गिरेबान में झांको। कहते हैं कि एक उंगली दूसरी की तरफ करने से चार उंगलियाँ अपनी तरफ बैठती हैं। चार औरतें जो है ना 2% की तो तुम्हारे पास बैठी हुई हैं। खैर, मैं ये 2% की 1% की मिसाल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं जो हूँ ये मैं इसको बिल्कुल गलत समझती हूँ। 2% की मिसाल देना और किसी को जलील करना, कि हम उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब जंग चल रही थी तो उस वक्त ये मिसाल दी जाती थी। जाके ना ज़्यादा देख लिया करो पहले चीज़ें और फिर बोला करो। जिस तरह की तुम वाहियात बातें करते हो, जिस तरह की तुम वाहियात गुफ्तगू करते हो और कह रहे हो कि कंटेंट, हम अपना कंटेंट लेकर आए, तुम्हारा कंटेंट क्या है यार? पूरी पूरी फैमिली मिलके इसकी शादी, उसकी उसकी शादी, इससे इसका बच्चा, उसका उसका बच्चा, इसका ये उसका बच्चा नहीं है, वो उसके बिस्तर में सो रहा है, वो कहाँ सो रहा है, वो उसकी बीवी उससे लगी हुई है, ये तो तुम्हारा कॉन्टेंट है। इस कदर घटिया कॉन्टेंट तो तुम लोग यूट्यूब पर लेकर आए हो, फिर तुम कहते हो कि हमारा कॉन्टेंट है, ये कॉन्टेंट है, सारे मिलके गुत्थी एक झुमकट्टा बना के इधर इसकी उसकी उसकी इसकी करते रहते हो, वो उस पर रिएक्शन देता है, ये उस पर रिएक्शन देता है, वो उस पर रिएक्शन देता है। अरे घनचक्कर बना दिया तुम लोगों ने ये लोगों को। फिर लोगों को कहते हो तो 2% की औरतें, अपने गिरबान में झांको पहले। और दो, तुम्हारी तो तुम्हारी जुबान तो जो है ना पूरे वाईटी पे मशहूर है, पूरे वाईटी वाले जानते हैं कि तुम किस तरह औरतों की बेइज्जतियां करते हो। इस्लाम की तुम्हें नॉलेज नहीं, रिश्तों का तुम्हें तकद्दस और लिहाज नहीं, पहले अपनी माँ बहनों पर रिएक्शन देते हो, फिर कहते हो इस्लाम में 7 शादियां जायज हैं, फिर कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तुम्हारी साली जो है तुम्हारे बाप की मर्दानगी पे सवाल उठाती है। कैसे कैसे लोग हो तुम? अपने गिरबान में झांको, फिर किसी को कुछ कहना। यहाँ पे लोग बैठ के अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो सिर्फ रिएक्शन ही दे रहे हैं, अपने खानदान के कट्ठे छट्टे नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पे सारा सारा कट्ठा नहीं लेके बैठ गए कि हमारी जो बाप ये करता था, माँ ये करती थी। तुमने तो अपने बाप पे माँ पे 10,000 इल्जाम लगाए हुए, तुमने तो अपनी बहन के चक्कर गिनवाए हुए। तुम यहाँ पे किस मुंह से आके रिएक्शन देते हो? तुम यहाँ पे किस मुंह से आके? तुम्हारा तो व्लॉग ही नहीं चलता, तुम्हारे तो व्लॉग ही लोग नहीं देखते, तुम्हारा कोई व्लॉग पसंद नहीं करता। बच्चे बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हो। अरे बच्चे हैं कि पिल्ले हैं तुमने पैदा कर कर के छोड़े हुए? एक बच्चा उधर बैठा हुआ है, 2 बच्चियां इसके फातिमा के पास बैठी हुई है, एक काका फिराने वाला है, और पता नहीं कितने बच्चे होंगे। पहले तुम्हारी ये यहाँ पे मैंने इनका एक रिएक्शन देखा था डगर डीडी का, कि इसने कहा था कि मैं जो हूँ वो एक ब्रोकन फैमिली से हूँ और मैं अपने बच्चों को ये जिंदगी नहीं दूंगा। अरे तुम उससे बदतर जिंदगी दे रहे हो। तुम्हारे माँ बाप के जमाने में तो फिर भी यूट्यूब नहीं था, तुम तो यूट्यूब पे आके बातें कर रहे हो। तुम तो यूट्यूब पे आके अपने बच्चे की जो है वो तुम्हारा जो बेटा है जो आयशा के पास है, मैं उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती, उसके बारे में बात कर रहे हो कि वो फिल्में देखता था। कौन सी फिल्में देखता था? एडल्ट मूवीज देखता था, वो तुम बता रहे हो। तुम्हारा अपना तो खानदान देख लो, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी मैं कहती हूँ अच्छे थे, तुम्हारी अच्छी तरबियत कर गए। मैं कह रही हूँ फिर भी तुम्हारे जो आने वाले बच्चे हैं, तुम लोग इनकी क्या तरबियत करोगे? तुम लोग YouTube पे बैठ के तो इनके बारे में, इन बच्चों के बारे में भी बता रहे हो। तुम अपने बेटे के बारे में बता रहे हो कि एडल्ट मूवीज देखता था।
ये कोई बातें बताने वाले यूट्यूब पे, आप मुझे खुद बताएं कमेंट बॉक्स में, इस तरह के लोग हैं। अच्छा अब मैं फातिमा बीबी पे बात करती हूँ। फातिमा ये तुम्हारा साथ दे दे के जो है ना, हम तो बहन हम तो थक गए, हम तो मुसीबत में आ गए, मतलब काना मुझे भाए ना काने बिना चैन आए ना, मुझे जीने दो, मुझे सुकून से जीने दो, मैं ये कर लूंगी, मैं सुकून से चली जाऊंगी, मैं 5 महीने। अच्छा तुम सऊदी अरब जाने का कह रही हो 5 महीने के, तुम सऊदी अरब कैसे जाओगी फातिमा, क्या करोगी वहां जाके? मुझे एक बात बताओ ना, 3 महीने के बाद टैक्स भरना पड़ता है वहां पे, कोई टैक्स, तुम कहते हो क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे, क्यों लोगों को पागल बना रही हो कि तुम सऊदी अरब जाके वहां रहोगी? नहीं रह सकती तुम वहां पे, कहां से कमाओगी तुम? बिल्कुल फजूल बातें तुम किए जा रही हो, बिल्कुल फजूल बातें, कैसे कमाओगी वहां पे? सितारा जैसी बंदी जो है वो पहले आपको पता था दुबई में शिफ्ट होने का उसका हो रहा था, सितारा का वो चाहती थी बाहर कहीं शिफ्ट हो, नहीं हो सकी, जो जिसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो उस जैसी बंदी नहीं शिफ्ट हो सकी। तुम कह रही हो तुम ये दो बच्चे और तुम तीसरी तीन लोग जो है वहां पे जाके कितने पर मंथ कितने देने, 1200 रियाल, यानी पाकिस्तानी जो है तुम्हें तकरीबन 1.5-1.5 लाख रुपए हर महीने सिर्फ टैक्स भरना है, इसके अलावा तुम्हारा खाना पीना कपड़ा लत्ता बच्चों की स्कूल की पढ़ाई अलग, स्कूल वहां पे इतने महंगे, कहाँ से तुम अफोर्ड करोगी? तुम क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हो लोगों को कि मैं वहां चली जाऊंगी, मैं वहां रहूंगी, मैं ये करूंगी? मुझे तो लग रहा है तुम लोग मिले हो आपस में, अब तो मुझे बात बिल्कुल ठीक लग रही है। फिर आज बड़ी जगह जागी है डगर डीडी की कि फातिमा के बारे में कुछ ना कहो। फातिमा क्यों? फातिमा तुम्हारा कॉन्टेंट है ना, इसलिए उसके बारे में कुछ ना कहें, फातिमा तुम्हारा कॉन्टेंट है। फातिमा लो सितारा से लाद पड़ी, फातिमा का ये जो सीन आया ये तुम्हारी शादी का, तभी तो तुम्हारे थोड़े व्लॉग्स पे जो है वो व्यूज आने लगे, वरना तुम लोग तुम्हारे तो व्यूज ठप, तुम्हारे तो तुम्हारी पत्ती गुल हो गई थी, खत्म हो गए थे, तुम्हारा यूट्यूब पे सफाया हो गया था। फातिमा कंटेंट है तो इसलिए फातिमा को, फातिमा तुमसे भी मतलब आजिज आ गए, किस किस ने तुम पर रिएक्शन नहीं दिया, डगर डीडी दिलवाए, मामू नदीम ने तुम्हें बताया कि तुमने जो आयशा के साथ किया आज वो तुम्हारे साथ हुआ, यानी तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं अगर सिंपल लफ्जों में बताऊं कि तुमने जो है वो आयशा का घर खराब किया, तुम्हारी छमिया वाली कर दी ना उन्होंने इज्जत, मामू नदीम ने, जो आज वो इसके साथ रह रहे हैं डगर डीडी के साथ, उन्होंने तुम्हारी छमिया वाली औकात कर दी। फिर भी तुम जो डगर डीडी को कुछ ना कहो, और ये मेरा शौहर है और ये है, और तुमने उसकी बातें करनी भी हैं, रोने भी हैं यहाँ पे, गाने भी हैं, फिर तुम दोनों मियाँ बीवी एक हो जाते हो, यानी दुनिया तो सारी उल्लू की पट्टी है। मैं तो यही कहूँगी यार, या तो आके बताओ या तो अपने खुल खुल के बात करो। तुम कहीं नहीं जा रही बीवी, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम पाकिस्तान में ही हो, तुम थोड़े दिन के लिए चली जाओगी, उसके बाद तुम यहाँ आ जाओगी। गलत बयानी मत करो लोगों से, वो बात मत करो फातिमा, वो बात मत करो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, जिसका तुम्हें आगे भुगतना पड़े, जिस पे आगे तुम्हारी ट्रोलिंग हो, तुम वहां नहीं रह सकती हो, ये साफ सी बात है भाई। सितारा जैसी बंदी नहीं रह सकती बाहर मुल्क में, इतना इतना खर्चा है, इतना व्लॉगिंग से वो नहीं कमा रही कि वो बाहर बच्चों को पढ़ा सके। लोग तो ये भी कह रहे हैं डगर डीडी और छमिया तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम लोगों ने मिलकर, तो भाई क्लियर करो कि वो मेरे साथ नहीं रह रहे, दिखाओ कैमरा, दिखाओ अपने पूरे घर में, वहां से ये बात करो, वहां उनसे क्लियर करवाओ कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह रहे। तुम अपनी रेपुटेशन क्यों खराब कर रही हो? तुम क्यों लोगों को अच्छी खासी जो जिंदगी है उसको बर्बाद कर रही हो? फातिमा आज मैं तुम्हारे लिए भी यही कहूंगी कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, इसको क्लियर करो। ऐसा नहीं होता, जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है जिंदगी। अच्छा तुम्हारे शौहर ने शादी कर ली, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम उस पर रिएक्शन ना दें, तो दोनों एक दूसरे के बारे में आके कुछ मत बोलना, हम रिएक्शन नहीं देंगे। पर जब तुम लोग बोलोगे एक दूसरे के बारे में, यानी अच्छा अच्छा सारी जलती हुई आग में रोटियां तुम ही सेकोगे और कोई नहीं सेकेगा, क्यों हम क्यों ना रिएक्शन दें? हमारे रिएक्शन चैनल्स हैं, हमारे लोग देखना चाहते हैं, जितने भी हैं भाई मेरे, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं देखना चाहते हैं रिएक्शन, वो देखेंगे। यूट्यूब पे हर एक की कैटेगरी बनी, कुछ लोग डेली व्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिएक्शन देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग न्यूज देखना पसंद करते हैं। तुम्हारा पूरा इजारादारी थोड़ी है तुम लोगों की पूरी फैमिली की यूट्यूब पे, कि तुम किसी को 2 टके की 3 टके की कहो आगे आके अपने गिरेबान में झाको कि तुमने कितने टके टके की औरतें पैदा की भी हैं, कितने टके टके के तुमने जो है वो रिश्ते बनाए हुए, तुम्हारे रिश्तों की क्या हैसियत है, तुम्हारे रिश्तों की क्या औकात है, तुम खुद क्या हो? तो ये जरा सोच समझ के, और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि जरा सोच समझ के इनकी व्लॉगिंग देखें, सोच समझ के जो है ये सारी चीजें करें, क्योंकि अब जो है ना ये ड्रामा बहुत ज्यादा हो रहा है,
एक दूसरे पे, ये पूरी फैमिली एक दूसरे पे बैठ के रिएक्शन दे रही है डेली व्लॉगिंग। तो कोई सितारा के अलावा कोई और डेली व्लॉगिंग कर ही नहीं रहा, ये लोग रिएक्शन रिएक्शन ही खेले जा रहे हैं। इनके अपने खुद के चैनल रिएक्शन चैनल बने हुए हैं, या बाबर कर लेता थोड़ी सी डेली व्लॉगिंग। सुमैरा भी आके जो है वो अब रिएक्शन देने लगी हैं थोड़ा। तो इन सब चीज़ों को देखना आपका काम है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।